Welcome to presentation on ITI Large Cap Fund. ITI Mutual Fund has launched NFO, new fund offer of this Large Cap Fund from 4th December to 18th December. So we will discuss in general Large Cap Fund and in particular about this NFO of ITI Large Cap Fund. So start karte hain standard disclaimer ke saath. Fact, figure and opinion in the presentation video are based on information available in different agencies and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड का कुछ बेसिक नॉलेज रिफ्रेश करते हैं. जिन्होंने हमारे बाकी दूसरे वीडियो देख चुके हैं वो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं. तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? एक इन्वेस्टर्स का पैसा मनी पूल करके फंड मैनेजर को दिया जाता है और उस फंड मैनेजर उस पैसे को जो है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है. वो सिक्योरिटी डेट हो सकती है, इक्विटी हो सकती है, और उससे जो रिटर्न जनरेट होता है वापस जो है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर दिया जाता है. तो ये ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं और जो फंड मैनेजर जो अपना मैनेज करते हैं उनको उसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं. तो फीस डिपेंड करती है कितना साइज ऑफ फंड है, कितना बड़ा AUM है वो मैनेज करता है, उसी हिसाब से उसका फीस होता है. मगर वो ग्रेडेड स्ट्रक्चर सेबी के द्वारा अप्रूव किया हुआ है, जो बहुत बड़ा होने से वो परसेंटेज घट जाता है. और उसके अलावा जो है इसमें जो है टैक्स इफिशेंसी जो है आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुकाबले म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में, इक्विटी में कीजिए या डेट में कीजिए, आपको टैक्स इफिशेंसी मिलता है. उसके अलावा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से प्रोफेशनल मैनेजमेंट उपलब्ध होता है और फॉर ए मीन्स वेरी स्मॉल फीस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस, एंड देन यू गेट डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, लिक्विडिटी मिलता है, कन्वीनियंस मिलता है. क्योंकि जैसे आपको मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत बार अपर सर्किट लोअर सर्किट ये देखने के यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता. और टैक्स एफिशिएंसी जो है वो इसलिए होती है क्योंकि जब आप एज इंडिविजुअल आप किसी म्यूचुअल किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको जैसे ही आप बेचते हैं उसी समय आपका टैक्स इंसिडेंस आ जाएगा. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया और आपको लगता है कि जिस शेयर में आपने इन्वेस्ट किया उसका भाव आ गया तो आपको बेचना होगा, वो प्रॉफिट बुक करना होगा. प्रॉफिट बुक करते ही आपका टैक्स इंसिडेंस जो होता है तो आपका कुछ पैसा जो है टैक्स में चला जाता है और आगे लगाने के लिए पैसा जो बचता है वो नेट ऑफ टैक्स जो पैसा बचता है वही लगा सकते हैं. मगर म्यूचुअल फंड में होने से ऐसा नहीं है. म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर के ने जो भी स्टॉक खरीदा है अगर उसका उसको लगता है प्राइस जो चाहिए था आ गया, टारगेट अचीव हो गया, तो वो बेच देगा. उसका कोई टैक्स इंसिडेंस नहीं होगा और पूरा का पूरा पैसा जो आगे के लिए निवेश कर देगा. तो आपको 5, 10, 15, 20 साल जितने साल के लिए भी निवेश करना है, जब आप फाइनली उसको बेचेंगे तभी आपका टैक्स इंसिडेंस होगा. इस तरह का फायदा इसमें मिलता है. उसके बाद ऐतिहासिक थोड़ा सा देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर यूटीआई एक्ट पास हुआ 1963 में. उसके बाद US 64 पहली म्यूचुअल फंड स्कीम थी. ऑल्दो ये अलग बात है, वो एकदम अलग तरह की स्कीम थी. उसके बाद पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड का दौर आया, उसमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा 1987 में म्यूचुअल फंड 5-6 जो है LIC, कैन बैंक, इंडियन बैंक और ICICI म्यूचुअल फंड वगैरह ने लॉन्च किए. उसके बाद तीसरा फेज शुरू हुआ प्राइवेट सेक्टर जब इसमें एंट्री किया 1993 में, तो पहला जो है कोठारी पायनियर था और वही जो कोठारी पायनियर था बाद में वो पायनियर ITI हुआ. और हमको लगता है ये जो ITI अभी जो है पहले चला गया था, उसके बाद ये बड़ौदा के पास बड़ौदा पायनियर, उसके बाद जो है ये अभी फिर वापस आया है. तो अभी इतना छोटा है कि उसके बारे में आपको आगे हम चर्चा करेंगे. और 96 से जो म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन हो गए हैं उसके बाद से भी जो आई 92 में, तो रेगुलेशंस काफ़ी एकदम एक के बाद उसमें जो सुधार किए हैं वो नज़र आते हैं. और जो इन्वेस्टर्स का जो है पैसा अभी जो है कोई भी जो है दाएं बाएं करके नहीं भाग सकता है. और रिस्क जो म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क में वो तो घटता है बढ़ता है, मार्केट के साथ घट सकता है बढ़ सकता है, मगर कोई पैसा लेके भाग नहीं सकता. जैसा कि आपको इधर उधर दूसरे निवेश में खतरा रहता है, वो इस प्रकार का खतरा म्यूचुअल फंड में नहीं है.
तो जो मेजर परिवर्तन आया अभी हाल ही में, तो चेक अक्टूबर 2017 को सेबी ने म्यूचुअल फंड का कैटेगराइजेशन कर दिया, और उसके हिसाब से जो है सारी जो स्कीम है, जो पहले कुछ भी स्कीम होती थी, अभी उनको जो एक 5 प्रकार की स्कीम्स में बांट दिया गया है। इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर स्कीम। तो इक्विटी में जो है 11 वेराइटी हैं, पहले एक्चुअली 10 वेराइटी थी, और अभी जो 6 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया, जिसके बाद एक उसमें ऐड कर दिया गया फ्लेक्सी कैप स्कीम। तो ये जो फंड पर्टिकुलरली जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लार्ज कैप फंड है, वो इक्विटी में आता है, तो इसकी हम जो है चर्चा आगे और करेंगे। तो लार्ज कैप में क्या होता है कि लार्ज कैप में फंड को अपना 80% तक जो है इक्विटी और इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है होता है। और जो डेफिनेशन के हिसाब से, जो मार्केट कैप रैंकिंग के हिसाब से, 100 बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी लिस्ट हर 6 महीने में जारी की जाती है अम्फी द्वारा, जुलाई में और जनवरी में, और उसमें जो लार्ज कैप कंपनी होंगी सो उन्हीं के अंदर इनको 80% अपना जो है एईएम इन्वेस्टमेंट करना होगा, और बाकी 20% जो है इसमें, जो ये पर्टिकुलर फंड की हम चर्चा कर रहे हैं इसमें ऑप्शन रखा है उसने, वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी की इक्विटी में कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं, या फिर 10% जो तक जो है अपना रीट में और इनविट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप में क्यों? क्योंकि लार्ज कैप में ही जो पैट्रोनेज है बहुत ज्यादा है, इसमें कितने फोलियो आप देख रहे हैं, 1 करोड़ 3 लाख फोलियो है, और 1 करोड़ 47 लाख एयूएम है इनका सितंबर महीने के एंड में, और मल्टी कैप के को देख लीजिए उसका 1 करोड़ 45 लाख है। तो सबसे ज्यादा जो एयूएम है, सबसे ज्यादा पैट्रोनेज है लार्ज कैप फंड का है, उनमें वोलेटिलिटी जो है रिटर्न का उतना ज्यादा नहीं रहता है, इसको लिए जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और भाई अच्छा कैटेगरी है एक आम निवेशक के लिए। तो जब रिटर्न की अगर बात करते हैं तो रिटर्न में लार्ज कैप में जो रिटर्न है थोड़ा सा आपको अल्फा उतना ज्यादा, फंड स्टॉक पिकिंग से आपका इंडेक्स ज्यादा रिटर्न मिलता है, मगर जो डिफरेंस ऑफ इंडेक्स रिटर्न से जो अल्फा क्रिएट करने में इनमें थोड़ा परेशानी होती है, बहुत बड़ी कंपनियां होती है और बहुत ज्यादा एबनॉर्मल सुपर नॉर्मल ग्रोथ उतना आसानी से नहीं मिलता है। तो उस प्रकार से इसमें निवेश करने के समय इंसान को सोच के रखना चाहिए। अभी जब चर्चा करेंगे कि आईटीआई म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 708 करोड़ करीब एयूएम है, और इतना छोटा एयूएम से एक एएमसी को चलाना और कितने दिन तक ये लोग चला पाएगा, और जो भी इनके अभी तक फंड है उनकी आगे चर्चा करेंगे, उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस है, कैसे ये लोग किस कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं वो भी देखेंगे। तो इनके जो है अभी ऑनगोइंग फंड है 3 इक्विटी में, एक मल्टी कैप, एक लॉन्ग टर्म इक्विटी ईएलएसएस कैटेगरी में, एक स्मॉल कैप, और ये लार्ज कैप अभी लॉन्च किया है। तो परफॉर्मेंस एक्सपेंस रेशियो 2.5% से ज्यादा ये तो इक्विटी कैटेगरी में इनका, और एनएवी जो है 2 का जो 10 से कम है और 1 का 10 से ज्यादा है। रिटर्न 1 ईयर सीएजीआर -11.6% मल्टी कैप फंड का, जबकि बाकी फंड का जो इसमें फरवरी में ये लॉन्च डेट हुआ था 17 फरवरी को स्मॉल कैप को, और डेट फंड का भी जो है इसमें सीएजीआर 3.5% के करीब है, और आर्बिट्रेज फंड के भी जो इसे यहाँ पे जो रिटर्न दिया है 1.3% सिर्फ है। तो इसके बाद हम जो चर्चा करते हैं कि जो सेबी के ने जो गाइडलाइन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको फर्स्ट 500 करोड़ का डेली एनएवी का 2.25% जो है मैनेजमेंट फीस चार्ज कर सकते हैं, और इस प्रकार से लार्ज कैप फंड में निवेश करने के लिए क्या फिलॉसफी रहता है वो ये है कि जो लार्ज कैप, एक ये जैसे शिप का जो चित्र बनाया हुआ है कि वो उनकी एबिलिटी टू विदस्टैंड इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये लार्ज कैप फंड की जो है फिलॉसफी लेके चलते हैं, और मार्केट लीडरशिप जो है उसको ढूंढने की कोशिश करता फंड मैनेजर, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल देखा जाता है किसी भी स्टॉक में निवेश करने के पहले। उसके अलावा जो करंट इकोनॉमिक सिनारियो है उसमें बहुत संभावनाएं बनी हुई हैं अच्छे रिटर्न आने की, क्योंकि फिलहाल जो है इकोनॉमिक साइकिल बॉटम के आसपास चल रहा है और जीडीपी कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, और वैक्सीन आने से अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी ऐसा मान के।
मार्केट साइकिल को अगर देखते हैं तो मार्केट साइकिल में क्या होता है कि जो ओवर लॉन्गर टर्म में जो है सब ये फ्लैटन हो जाता है। जो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नजर आती है रिटर्न में, जैसे जैसे समय लंबा होता जाता है तो ये जो है पूरा फ्लैटन हो जाएगा। और ग्रोथ वर्सेस वैल्यू लार्ज कैप में वैल्यूएशन डिफरेंशियल हमेशा मिलता है। तो यहाँ जो इस ग्राफ में दिखाया गया है कि जो टॉप 15 स्टॉक हैं उन्होंने 81% रिटर्न डिलीवर किया, और जबकि नेक्स्ट 35 स्टॉक ने 22% रिटर्न डिलीवर किया। इसके अलावा जो है प्राइस टू बुक वैल्यूएशन में अगर देखते हैं तो ये 2.4% एवरेज है, और दूसरे जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले हैं उनका एवरेज जो है 17.4%, बाकी जो स्टॉक है इनका एवरेज वैल्यूएशन 17.4% है। तो डिफरेंशियल वैल्यूएशन बिटवीन अट्रैक्टिव एंड एक्सपेंसिव वैल्यूएशन इज एट ऑल टाइम हाई अभी। तो लार्ज कैप में क्यों करना चाहिए? मेनी सेक्टर एंड स्टॉक आर ट्रेडिंग एट साइक्लिकल बॉटम, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन कैन इंप्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक, 35 आउट ऑफ 50 स्टॉक इन निफ्टी इंडेक्स आर स्टिल अंडर वैल्यूड, मोस्ट ऑफ द अट्रैक्टिव वैल्यूड स्टॉक आर ट्रेडिंग बिलो देयर हिस्टोरिकल एवरेज, लार्ज कैप बीइंग कैश रिच पोटेंशियली सरप्राइज ऑन ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक एनवायरमेंट। विच लार्ज कैप टू बैट ऑन, वो कौन सा करना है? जो एसक्यूएल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, एसक्यूएल के बारे में आगे चर्चा करेंगे। बेनिफिशियरी ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसी इन फेवर, ट्रेडिंग एट साइकिल बॉटम एंड मैक्सिमम मैक्रो हेडविंड एंड कैन रिवर्स, विच बिलोंग टू सेक्टर विच आर कोर टू द इकोनॉमी एंड कैन पोटेंशियली अट्रैक्ट ग्लोबल लिक्विडिटी। तो एक साल में जो है निफ्टी 100 की रिटर्न 8.31% है, 3 ईयर में 6.6 है, 5 ईयर में 10.3% और 10 ईयर में 8.23, 15 ईयर में 11.47% रिटर्न जो है निफ्टी 100 के जो है रिटर्न ये दिए हुए हैं यहाँ पे। और लार्ज कैप में क्या है कि कोर पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो विद स्टेबल कंपाउंडिंग रिटर्न, व्हेन इकोनॉमी रिबाउंड्स बिग कंपनी बेनिफिट्स अ लॉट एंड डिफरेंशियल वैल्यूएशन प्रोवाइड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टॉक पिकिंग। तो वही बेसिकली है कि अगर स्टॉक पिकिंग एबिलिटी फंड मैनेजर के अंदर है तो वो अच्छा रिटर्न जो अच्छा अल्फा क्रिएट करके देगा इंडेक्स के ऊपर। और व्हाट डू वी दिस आईडीए फाइंड, लार्ज कैप क्या देख रहे हैं? क्वांटिटी और स्केलेबिलिटी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, कैपेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल सस्टेनिंग गुड आरओई एंड आरओसी, साउंड बैलेंस शीट, एबिलिटी टू विदस्टैंड बिजनेस साइकिल एंड शॉक्स एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है GARP रहेगा, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस एंड नॉट द ग्रोथ एट एनी प्राइस, ये फिलोसफी लेके चले, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। पोर्टफोलियो फोकस एट दिस जंक्चर विल बी सेलेक्ट फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स, फार्मा कंपनी, सेलेक्ट फार्मा कंपनी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यूटिलिटीज, सेलेक्ट कॉमोडिटी स्टॉक, ऑयल गैस मेटल, मेक इन इंडिया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, PSU वेयर ऑर्डर बुक अर्निंग ग्रोथ इज विजिबल, रूरल प्ले और इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा क्वालिटी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एस का मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और क्यू का मतलब क्वालिटी ऑफ बिजनेस, एल का मतलब लो लीवरेज, इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट जो है अटेम्प्ट करेंगी ये म्यूचुअल फंड। उसके अलावा एक्टिव फंड मैनेजमेंट जो स्टाइल होगा एक्टिव होगा, पैसिव नहीं होगा और फोकस होगा अल्फा जनरेशन का, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग एंड स्टॉक सेक्टर एलोकेशन के थ्रू जो है उसको करंट पोर्टफोलियो एलोकेशन। और प्रोडक्ट की फीचर है वी विल बाई ओनली फ्रॉम लार्ज कैप यूनिवर्स डिफाइंड बाई अम्फी, दैट वो 100 का लिस्ट हर 7 महीने में 6 महीने में जो जारी होता है उसी के अंदर से जो है 80% पोर्टफोलियो लार्ज कैप कंपनी का बने जाएगा। और नॉर्मली द फंड वुड इन्वेस्ट मिनिमम 90% एंड नो मेजर कैश वुड बी टेकन, इन्वेस्टमेंट इन गुड साउंड बिजनेस विच आर अंडरस्टूड अंडरस्टैंड वी अंडरस्टैंड वेल एट 80% पोर्टफोलियो विल बी कोर स्टॉक एंड टैक्टिकल बेट्स विल नॉट बी मोर देन 20%। तो मैक्सिमम 40 स्टॉक इन द पोर्टफोलियो ये भी दे दिया कि फोकस में एक्चुअली 35 रहते हैं, तो बाई एंड लार्ज इसमें 40 का लिमिट रखा, तो बाई एंड लार्ज ये फोकस कैटेगरी और लार्ज कैप कैटेगरी का मिक्सचर के रूप में परफॉर्मेंस ये फंड देगा। इसमें जो बेंचमार्क दिया निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स निफ्टी 100, और जो है वही जो असेट एलोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसमें ये है कि इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लार्ज कैप कंपनी 0-80%, और इक्विटी एंड इक्विटी अदर देन लार्ज कैप कंपनी में स्मॉल कैप एंड मिड कैप दे आर 20 मैक्सिमम और मिनिमम 0। और तीसरा जो है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम 20 मिनिमम 0, और
उसके बाद चौथा है यूनिट इशूड बाय रीट एंड इन्विट्स, वो मैक्सिमम 10%, मिनिमम 0%। फंड मैनेजर का नाम दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, प्लान ऑप्शन है, एग्जिट लॉट 1% इफ सीजन बिफोर 12 मंथ। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम इज टू सीक जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, प्रेडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी ऑफ लार्ज कैप कंपनीज। तो ये लार्ज कैप का हमने स्टडी कंपेरेटिव किया है, तो बाई मीन्स एज सच लार्ज कैप फंड्स आर गुड एंड देर इज लॉट ऑफ पैटर्नाइजेशन इन द मार्केट एंड, और आम निवेशक को लार्ज कैप में निवेश, अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना, लार्ज कैप में निवेश के बारे में कुछ सोचना नहीं है। बट जब वो लार्ज कैप फंड आईटीआई म्यूचुअल फंड द्वारा दिया गया, और जिसका जो एक नई फंड है, जिसकी फंड जो भी एग्जिस्टिंग फंड है उनकी परफॉर्मेंस एकदम मतलब बिलो एवरेज है, और इतना छोटा फंड हाउस है, तो फिर जरूर सोचने की बात है कि ये लार्ज कैप फंड की एनएफओ में निवेश करना है या फिर ऑनगोइंग लार्ज कैप फंड में निवेश करना है। तो ये वही चीजें दी हैं, और अभी इसी समय जब यदि आपको एनएफओ में निवेश करने का मन बनता है, तो आपके लिए वो दूसरे अल्टरनेटिव जो अवेलेबल हैं उनके बारे में भी हमने जो वीडियो बना के जो अपलोड किए हैं, तो उनमें कौन कौन सी फंड है, आदित्य बिरला सनलाइफ ESG फंड, HDFC डिविडेंड यील्ड फंड, और इन्वेस्टको ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड फंड ऑफ फंड, ITI लार्ज कैप फंड ये फंड है, यूनियन हाइब्रिड फंड, और UTI स्मॉल कैप फंड। तो इतने ये चॉइस आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उसी हिसाब से सोच समझ के निर्णय ले सकते हैं। तो ये पूरा जानकारी हमने शेयर किया ITI लार्ज कैप फंड की जो NFO है, और उसके बारे में पर्टिकुलरली, और लार्ज कैप फंड की क्या फंड की फिलॉसफी रहती है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, किस तरह के रिटर्न होते हैं, और रिस्क जो है कम रहता है, ये सब जो है लार्ज कैप फंड के बारे में जनरली जानकारी जो चाहिए होती है वो इसमें हमने शेयर किया। तो ये उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है काम में आएगी, आप नया निवेश करना चाहें या आप अपना लार्ज कैप पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहें, किसमें करना है, क्या करना है, उसमें काफ़ी जो है आपको डाटा पॉइंट और जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको अगर ये अच्छा लगेगा वीडियो, तो आप उसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है उसके अलावा जो है कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, हम उसका जो है रिप्लाई करेंगे। उसको आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड और फंड हाउस से कुछ जानकारी चाहिए, तो आप जो है हमको जरूर हमारे एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के थ्रू भी आपको कोई भी जानकारी म्यूचुअल फंड से मुहैया कराई जाएगी, और जो भी क्वेरी रहेगी उसको जवाब दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। तो आप उसके अलावा आप जो हमारा ट्विटर हैंडल है @viewsansi2, वहाँ पे हम ट्विटर में विजिट कर सकते, सारे वीडियो उनसे रिलेटेड जानकारी, संबंधित जानकारी, लेटेस्ट अपडेट जो है वहाँ पे आपको मिलेगी। Thank you very much.